वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएम ब्लॉग्स। मैं आज बीटीएससी एनएम 10709 जो वैकेंसी थी उसमें जो कोर्ट में जो केस चल रही थी उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। जो कल का डेट था उसको बढ़ाकर 10 तारीख को आज का डेट दिया गया था। उसमें क्या हुआ कि हमारे तरफ जो संविदा कर्मी थे जिनका वकील था वो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थे या एविडेंस उनके पास कुछ पेपर नहीं थे, तो उनके वजह से वो फिर से डेट बढ़ाने की मांग की थी। तो मांग करके 18 अप्रैल को कर दिया गया है और क्वालिफाई लोगों को फिर से उन लोग तरफ से तो एविडेंस अच्छा है तो उन लोग सब तरह से तैयारी कर ली हैं। संविदा कर्मी की तरफ से पता नहीं क्या पेपर अभी तक एविडेंस है जो प्रिपेयर नहीं हो पाया है, जो बार बार डेट बढ़ा रहे हैं। इतना दिन से डेट बढ़ते बढ़ते 18 को बोला गया है, 18 अप्रैल को, तो और इतना लंबा टाइम लिया गया है। कल जो बीच में सब पर्व है, कल ईद है, फिर और भी पर्व है, इसकी वजह से 18 इतना लंबा टाइम दिया गया है। तो 18 को लास्ट शायद उसमें लास्ट जो भी हियरिंग होगी जो लास्ट होना चाहिए, क्योंकि इतना दिन से बार बार डेट पर डेट दिया जा रहा है तो अब पेशेंस नहीं हम लोग को। और उस दिन देखते हैं क्या होता है, क्वालिफाई के पक्ष में आता है या संविदा कर्मी। लेकिन संविदा कर्मी के पक्ष में 100 तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमारे तरफ से पेपर ही अभी तक के पूरा नहीं है। तो उस दिन अब देखते हैं क्या होता है कोर्ट में। थैंक यू।